कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। और आई होप कि कोरोना का टाइम चल रहा है, आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर में ही सेफ रहें। जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनका अच्छी तरीके से पालन करें। और आज इसके इस समय में जिस महामारी जो चल रही है कोरोना की, तो उस समय पर आप सब समझते हैं कि अपना बचाव स्वयं के हाथ में है, ठीक है ना? कि ये है कि कोई और हमारी देखभाल या फिर सुरक्षा कर सकता है, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। तो आप सब लोगों से पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने घर में रहें और स्वस्थ रहें। दूसरी, हम आज बात करते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके साथ इस वीडियो में आई हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या वो प्रॉपर्टी फुल पेमेंट के जो एग्रीमेंट है उस पर वो होना ठीक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी बात को मैं आपसे एक एग्जांपल के साथ में बात करूंगी, जो कि कुछ दिन पहले मुझे मेरे क्लाइंट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी आज से 5 साल पहले, जो कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट पे खरीदी थी। यानी कि एक प्रॉपर्टी ली थी उन्होंने और जिसकी रजिस्ट्री ना करा करके मात्र एक एग्रीमेंट करा लिया उन्होंने, और एग्रीमेंट पर ही उन्होंने जो है अपना पूरा पैसा दे दिया प्रॉपर्टी का जो भी था, ठीक है। और उसके बाद में पजेशन भी उन्होंने ले लिया और उस प्रॉपर्टी को वो 5 साल से यथावत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यानी कि उस मकान में या फिर वो जो है उन्होंने जो फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर लिया है तो उसको वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं उसमें। अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई है, तो क्या कोई आगे मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो मैंने उनको भी यही बोला था और तभी मेरे माइंड में आया क्यों ना इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊं। हो सकता है ना जाने ऐसे कितने लोग परेशान हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सही नहीं है। अब पहले तो मेरा क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से आता है कि ऐसा लोग करते क्यों हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा जान लेते हैं। हज़ारों लोग हैं, ना जाने, मैं उसी एक क्लाइंट की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि मात्र एक फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर अपने जो है प्रॉपर्टी का सौदा कर लेते हैं, यानी लेना देना हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मात्र एक जो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होता है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि लोग क्या करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट करा ली उन्होंने, या कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई। अब उस प्रॉपर्टी को जब हम सेल डीड करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज जो है उस प्रॉपर्टी का जो भी निकलता होता है, चाहे वो उसकी संख्या कह सकते हैं, मतलब जो वो कीमत हो सकती है वो हज़ारों में भी हो सकती है स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, या फिर वो लाखों में भी हो सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की कीमत पर डिपेंड करता है स्टैम्प ड्यूटी चार्ज। वो हमें वहाँ पे करना होता है। उस ड्यूटी चार्ज से बचने के लिए, यानी उस चार्ज को ना पे करने के लिए ही लोग वह क्या करते हैं कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट करा लेते हैं और उसके साथ साथ पावर ऑफ अटॉर्नी भी करा लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ये फुल पेमेंट एग्रीमेंट क्या है, उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है ऐसा। तो उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि ये फलां नाम का व्यक्ति है और इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी फलां व्यक्ति के नाम पर दे दी। इस प्रॉपर्टी से सारे जो संबंधित अधिकार हैं उसको इस्तेमाल करने के, उसको बेचने के, तो इस एग्रीमेंट के मुताबिक, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, सपोज करो कि राम नाम के व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, और किससे खरीदी थी है? वो किसी श्याम नाम के व्यक्ति से खरीदी है, ठीक है। अब श्याम ने उनको एग्रीमेंट करा दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी राम नाम के व्यक्ति को सेल कर रहा हूँ और इसके जितने भी मालिकाना हक होते हैं, जो भी इसके संबंधित फैसले होंगे, वो आज के बाद में, यानी जिस डेट में वो एग्रीमेंट होता है उसके बाद में वो जो है राम नाम का व्यक्ति ही करेगा। कितने की वो प्रॉपर्टी वो सेल करते हैं वो सारा पेमेंट का ब्यौरा भी उसमें दिया जाता है। लेकिन क्या ये सफिशियंट है? क्या अपने मालिकाना हक के लिए ये सफिशियंट है कि एग्रीमेंट? तो मैं कहती हूँ नहीं। उसके बाद में लोगों की जैसी सूझबूझ बढ़ती जाती है, सब लोग माइंड लगाना जानते हैं, तो लोगों ने दूसरा रास्ता इसके साथ साथ और निकाल लिया कि चलो फुल पेमेंट एग्रीमेंट तो अपन ने करवा लिया है, इसके साथ साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी भी करा लेते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है कि इस प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं, जितने भी वो फैसले होते हैं उन फैसलों को लेने का जो अधिकार है वो उस व्यक्ति के पास आ जाता है जिस व्यक्ति के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। तो मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, क्या ये सब कुछ सही है? बिल्कुल नहीं है, ये स्टेप्स बिल्कुल गलत हैं।
उसके बाद में भी लोगों ने मतलब लोगों की जो है सिस्टम दिन पे दिन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में कारनामे लगाते रहते हैं, लोगों से सजेशंस लेते रहते हैं। उसके बाद में लोगों ने एक और दिमाग लगाना, एक स्टेप और वो बढ़ गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो पावर ऑफ अटॉर्नी तो है हमारे पास, लेकिन ये तो जीते जी वैलिड रहेगी, अगर कहीं ये व्यक्ति मर गया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, कैसे हम इस प्रॉपर्टी को अपना लीगल बना करके रखेंगे। तो लोगों ने वसीयत कराना स्टार्ट कर दिया, यानी कि मरने के बाद तक की जो है प्लानिंग पूरा सिस्टम उन्होंने सेट कर लिया अपना। लेकिन क्या वो वसीयत भी सही है कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ले ली फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर मात्र स्टैम्प ड्यूटी चार्ज बचाने के लिए, और प्रॉपर्टी का टाइटल हमने हमारे नाम अब तक नहीं आया। तो इसमें भी कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक फैसले में बताया बोला था, माने नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके के जितने भी मैटर्स आते हैं वसीयत से संबंधित, फुल पेमेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड, तो इस तरीके के मैटर्स को आप कोर्ट में लाए नहीं, विवाद को कोर्ट में लाए नहीं, क्योंकि जब तक किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल उस व्यक्ति के नाम नहीं होगा, तब तक वह व्यक्ति इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स पर या फिर दस्तावेजों के द्वारा कोर्ट में आने का अधिकार नहीं रखता। टाइटल से यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री या रजिस्टर्ड अपने मतलब अपने नाम नहीं चढ़ जाती है, तो उस चीज़ को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ इसी से रिलेटेड कि चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट कर दिया बिल्कुल कि 2011 के फैसले में कि आप फुल पेमेंट एग्रीमेंट या आप पावर ऑफ अटॉर्नी या वसीयत, इस तरीके के मैटर्स से रिलेटेड अगर कोई भी आप विवाद कोर्ट में लेकर के आते हैं तो वो वैलिड ही नहीं है। और जब वो वैलिड ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के पास में जब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड टाइटल ही नहीं है, तो वो किस बेसिस पर अपने अधिकार लेने के लिए वो कोर्ट में जाते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस तरीके के मैटर्स को बिल्कुल कोर्ट में नहीं लेकर के आए, और जब इस तरीके के मैटर्स को जब कोर्ट ही सुनने के लिए अग्री नहीं है, अगर इन फ्यूचर आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है, तो आप उसके समाधान के लिए ना तो कोर्ट में जा सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने तो स्पष्ट अपने फैसले में क्लियर कर ही दिया है। तो इस तरीके के नुकसान से आप क्यों झमेले में पड़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है, मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि यदि कोई आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बकायदा वो लीगल वे में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, माना कि ठीक है यहाँ पैसा आपका बचता है स्टैम्प ड्यूटी चार्ज का, लेकिन मात्र उस पैसे को बचाने के लिए आप जीवन भर के लफड़े में ना पड़े। क्यों? क्योंकि माना कि वहां से आपने अपना पैसा बचा। इसमें एक कहावत की गई है, आप लोगों ने भी सुनी होगी अच्छे से, कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि एक बार आपका जो है स्टैम्प ड्यूटी चार्ज जाएगा तो सही, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग के लिए बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत पछड़े नहीं पड़ेंगे। अब सपोज करो आपने जो है इस तरीके के सारे मतलब फुल पेमेंट एग्रीमेंट करा लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली, वसीयत करा ली आपने, फिर भी इन फ्यूचर आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ गई, या फिर आपको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो गया, तो आप अपनी मदद के लिए किसके पास जाएंगे, क्योंकि कोर्ट आपको सपोर्ट करेगा ही नहीं, इस तरीके के डॉक्यूमेंट वैलिड है ही नहीं। फिर आप एंड में क्या है, रजिस्ट्री, चलो उस टाइम पर रजिस्ट्री करा लेते हैं या फिर टाइटल ले लेते हैं। टाइटल लेने के लिए आप उस व्यक्ति के पास जाओगे कि आप हमारे नाम कर दो इसको, फिर वो ही आनाकानी करेगा, अननेसेसरी की डिमांड्स आपके पास में करेगा कि मुझे तो आप इतने पैसे चाहिए, मुझे अब रजिस्ट्री कर रही हूँ, मैं इतने पैसे चाहिए। तो वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एक बार अपना जो प्रॉपर्टी का टाइटल है ना, आप उसे अपने नाम ही करा लें तो ज़्यादा बेटर है, फुल पेमेंट एग्रीमेंट की, यानी एक कोरे सस्ते लालच में ना फंस करके और इस प्रकार का जो है कार्य ना करें, ये आप सबके लिए ही एक बेस्ट उपाय, क्योंकि इस तरीके के मैटर्स में ये दस्तावेज ना तो मतलब कानून के द्वारा इनको कोई मान्यता ही नहीं दी गई है, इसलिए इनको ये कोई काम में आने वाले दस्तावेज है ही नहीं। इसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि कोर्ट से भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स या इस तरीके के विवाद अगर कोई आते हैं तो कोई कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में कोई काम करवाना चाहते हैं या फिर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में भी कोई कार्य करवाने चाहते हैं,
चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, बैंक से लोन भी आपको सिर्फ फुल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर वसीयत के बेस पर नहीं मिल सकता। तो मेरी आप सब लोगों से बस यही सजेशन है कि अगर आप इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप उसे बिल्कुल भी फुल पेमेंट एग्रीमेंट या फिर ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर वसीयत इस तरीके का बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट पर ट्रस्ट ना करते हुए सिर्फ डायरेक्ट सेल डीड से रजिस्टर्ड करा करके ही अपनी प्रॉपर्टी का अपने नाम टाइटल करवा करके ही लें। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। और लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, वापस से मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा और कि मैं भी कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालना कर रही हूँ और आप सब लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप भी जो है कोरोना के इस टाइम में महामारी का जो समय चल रहा है तो इस समय में आप सब लोग भी अपना भी ध्यान रखें, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी सजग करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस थैंक यू।